पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इंडियन गवर्नमेंट हर साल किसानों को 6000 रुपए देती है, जो कि 2000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 12.5 करोड़ के आसपास किसान रजिस्टर्ड हैं। जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उनकी 11वीं किस्त यानी कि अप्रैल से जुलाई 2022 की किस्त आने वाली है। बहुत जल्द करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए की रकम भेज दी जाएगी। जो आने वाली किस्त है, उसके लिए सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी कि सभी किसानों को अपनी ई-KYC करानी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-KYC कैसे की जाती है, इस पर मैंने कम्प्लीट वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और आप कंफ्यूजन में हैं कि आपकी किस्त आएगी या नहीं, तो इसको आप काफी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू अन सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस और आज के वीडियो में हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली किस्त आपको मिलेगी या नहीं, इसको चेक करने का कम्प्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपनी किस्त का स्टेटस जानने के लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। वहां पर टाइप करना है पीएम किसान। आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आपने अभी तक अपनी ई-KYC नहीं की है तो आपको यहां ई-KYC का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां पर क्लिक करके अपनी ई-KYC कर सकते हैं। अपनी किस्त का स्टेटस जानने के लिए आपको इस फार्मर कॉर्नर में आ जाना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर दो तरीके से अपनी किस्त का स्टेटस जान सकते हैं। आप आधार कार्ड नंबर टाइप कर सकते हैं या फिर आप यहां अकाउंट नंबर भी टाइप कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड नंबर टाइप करने वाला हूं, तो मैं आधार नंबर पर क्लिक करूंगा। यहां पर आधार नंबर टाइप करेंगे, फिर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी सभी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि आपका नेम, आपका एड्रेस, आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, आपके आधार का स्टेटस, आपका मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। आप यहां स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर आपकी सभी इंस्टॉलमेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में पहुंचा दी गई हैं। अभी तक यहां पर 10 इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं। इस किसान को 10 के 10 इंस्टॉलमेंट इसके अकाउंट में पहुंचा दी गई हैं। 11वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है। जैसे ही 11वीं इंस्टॉलमेंट आएगी तो यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा 11th इंस्टॉलमेंट के नाम से। और ये जानने के लिए कि 11वीं इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आएगी या नहीं, आपको पेमेंट स्टेटस देखना है। आपके सामने कुछ ऐसा स्टेटस आएगा। अगर आपकी 11वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली होगी तो आपकी 11वीं इंस्टॉलमेंट के नीचे पेमेंट प्रोसेस लिखा हुआ होगा। अगर पेमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है तो आपकी 11वीं किस्त आपके अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। जब आपके अकाउंट में 11वीं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हो जाएगी तो आपको यहां पर स्टेटस इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन लिखा हुआ मिलेगा। तो गाइस, इस तरह से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आने वाली किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको वो किस्त मिलेगी या फिर नहीं। जब 11वीं किस्त आने वाली होगी तो आपको यहां पेमेंट स्टेटस पर आपकी 11th इंस्टॉलमेंट के नीचे पेमेंट प्रोसेस लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब है कि ये वाली किस्त आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। क्रेडिट होने के बाद आपको यहां इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप अपना स्टेटस चेक करते रहें। और अगर आपने अभी तक ई-KYC नहीं की है तो ई-KYC आप खुद से कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।